ओम शांति। आज तारीख है 31 मार्च 2021। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की आज की मुरली। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर वन एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसे एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्वों से योग रखना सिखलाते हैं। अब यह वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्वों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। हम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ। यह मेरा शरीर जिससे हम कर्म करते हैं कितना सहज है, वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति। परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी, जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वो बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है। इसके लिए आदि मध्य अंतों को तुम नहीं जान सकते। मैं जानता हूँ, मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर्स हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन, एक्टर बनाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे है। बच्चों को बाप समझाते कि पति तो सब अपने को कहलाते ही है, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पति कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पति तो पावन कौन किसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, यह भी नहीं जानते। हम सब एक्टर्स है। हम आत्मा यह चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन भारत, भारत पावन भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी है कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिखला दे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया गया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी है ब्राह्मण देवताय नमः।
पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है, यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था जिसको गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, यह रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए है, तुम भी भूल गए, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है, विलायत में योग था नहीं, हठयोग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, सिखाए वह जो जानते हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले है, फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत हो जाता है तो अंतों में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सत्युग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं है, यह विलायत में जाकर योग सिखलाते, परंतु वह है हठयोग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठयोग है, यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले है। बाप बच्चों को समझाते कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ, और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठयोगी कब ऐसे कह न सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं यह नहीं बात है, बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इनके तन में ब्रह्मा के तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर्जीवा बना है ना। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। पहले आने वाले के जो नाम रखे वो बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारगति दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा, इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा उन कर्मठ होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, यह दादा भी मनुष्य है, यह कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई, जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एजेड में आकर पहुँचे हैं। यह योग कलप कलप तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते हैं, कोई तो ऐसे ही देखने आते कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं, जरूर कुछ होगा। तो जाकर उन्होंने पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है, भारत के लिए खास कहते हैं। गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज दो कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए है। यह भी पाठशाला है, 33 मार्क से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनास्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना,
क्योंकि इम्तहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इंतवान होता था। सब थोड़ी पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट दी सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हब की, भारत का आता धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना आता धन होगा, वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती है, अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली होती जाती है। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवाए बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसे बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है, यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। हर एक को सत्व रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सत्व प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊँचे हो। जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता है। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से, बाबा ने समझाया है। जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे, तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है, यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हाथ कारड़े दिल यारड़े, काम करते रहो बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की, अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं को सजनियों को गुल गुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां है, कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। बल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्माओं, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो, यदि याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है, ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं, या तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है।
बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सूर्यवंशी डिनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माँ पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भवो। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भवो। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक आ जाता है, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएंगी और मायाजीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।